Very good afternoon to all the viewers. We are streaming live from Artistron Hospital, Goa. And I'm pleased to welcome Dr. Gurpreet Singh. He's the guest speaker for the day. Our topic will be purely prostate, regarding prostate ka enlargement, its management, its treatment. Dr. Gurpreet is a senior urologist in Artistron Hospital. Welcome, Dr. Gurpreet. Thank you very much. So, I've been with Artistron Urology Hospital, Goa now since 2013 as a full-time urologist. And today we'll be talking about a very common problem which affects men. And it is increasing in incidence. Matlab din by din logon ki ye condition badhti ja rahi hai. Lekin maine dekha hai ki zyadatar log jo hain wo silence mein apne ko ignore karke is bare mein baat nahi karna chahte. It's a very taboo topic. तो प्रोस्टेट के बारे में आई थिंक इट शुड बी इसके बारे में बात करनी चाहिए, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए और जो लोगों के दिल में दिमाग में भ्रम है तो उनको दूर करना चाहिए. So basically talking about prostate, viewers would definitely like to know what is prostate gland. तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इट इज ए स्मॉल ग्लैंड, अखरोट के साइज जितना एक ग्लैंड होता है जो अपने जो पेशाब की थैली है ब्लैडर वहाँ से जो ट्यूब निकलती है तो वो ट्यूब को फर्स्ट जो पार्ट है ट्यूब की फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर्स उसको वो ग्रिप मार के बैठता है और ये हर एक आदमी में ही होता है, औरतों में नहीं होता. और ये जो ग्लैंड है ये हर एक आदमी में रहेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो इसका साइज भी बढ़ता जाएगा. इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन इसका यंग एज में रिप्रोडक्टिव एज में इसका फंक्शन ये है कि ये वो सॉल्यूशंस सिक्रीट करता है जिससे स्पर्म धातु की नरिशमेंट होती है तो उससे रिप्रोडक्शन में बच्चे पैदा करने में उसमें ये बहुत बड़ा इसका सहयोग है. और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे जैसे मिडिल एज आती है या ओल्ड एज आती है तो ये उस फंक्शन से हट के पेशेंट्स को दुखी ज्यादा करने लग जाता है, बिकम मोर ऑफ अ न्यूसेंस देन ओवर देन. सो टॉकिंग अबाउट द एनलार्जमेंट, आपने जैसे बोला कि इट इज देयर इन एवरी मैन, सो डज इट एनलार्ज इन एवरी मैन विद द एज? हां, दिस इज अ जेनेटिक इशू. हमारे जीन्स के साथ हम आदमी पैदा हुए हैं जिसके साथ हमारा प्रोस्टेट जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते रहेंगे. ये नहीं है कि उसका कोई एज के साथ एक स्पेसिफिक टारगेट है कि इतनी एज पे इतना बन गया, इतनी एज पे इतना बन गया, ऐसा नहीं. हर एक आदमी यूनिक है तो किसी की एनलार्जमेंट थोड़ी सी होती है, किसी की ज्यादा होती है, मोस्टली बीच में रहते हैं. व्हाट इफ अ यंग पेशेंट कम्स टू यू विद प्रोस्टेट, लाइक यंग पेशेंट में भी एनलार्ज हो सकता है? हाँ, मैंने देखा है. एक पेशेंट था जो मेरे पास आया था, ही वाज ओनली 32 इयर्स ओल्ड, 32 साल का ही, और उसको क्लासिकल सिम्टम्स थे प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के. तो हम लोगों ने सारी इन्वेस्टिगेशंस करके प्रूव किया कि हाँ इसको है, तब जाके हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की. तो होता है बट वो बहुत रेयर है. ज़्यादातर जो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है जैसे एज वाइज, तो जैसे मैं परसेंटेज की बात करूँ तो जैसे 50 साल का आदमी है तो 100 में से 50 होंगे जिनका प्रोस्टेट एनलार्ज होएगा ही, और अगर आप 80 साल तक पहुंच जाएं तो फिर तो ऑलमोस्ट 80-90% होंगे जिनका प्रोस्टेट एनलार्ज होता है. तो एज का है, एज इज अ फैक्टर, एज इज अ बिग फैक्टर, जेनेटिक्स इज अ फैक्टर. सो व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोस्टेट? फिर वही बात कि हर एक पेशेंट यूनिक है, तो ऐसा नहीं है कि एज वाइज ऐसा कुछ एज वेट डिस्ट्रीब्यूशन है कि इतने से इतने साल तक इतना होगा, ऐसा नहीं. किसी का 40 ग्राम्स होता है, किसी का 26 ग्राम्स होता है, किसी का 60 होता है, किसी का इवन 100 होता है, किसी का इवन और भी ज़्यादा होता है. पर नॉर्मली ये माना जाता है कि 30 ग्राम्स का जो प्रोस्टेट है, 30 cc प्रोस्टेट जो है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल. उसके ऊपर बढ़ता जाएगा तो, और ये प्रोस्टेट की जो इंटरनेशनल और यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से भी 30 ग्राम प्रोस्टेट जो है माना जाता है, इसके ऊपर है तो बढ़ गया. सो एनलार्जमेंट के सब सिम्टम्स क्या रहेंगे प्रोस्टेट वाले पीड़ित पेशेंट में?
हाँ तो ये फिर वही जैसे मैंने बताया, प्रोस्टेट जो है पेशाब की नाली को ग्रिप मारता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाएगा तो वो धीरे धीरे ग्रिप को, वो पेशाब की नली की ग्रिप को और टाइट करता जाएगा। जब टाइट करता जाएगा तो पेशाब की धार कम होगी, धार कम होगी तो जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, ब्लैडर नहीं खाली होगा, ब्लैडर नहीं खाली होगा तो उसको बार बार जाना पड़ेगा, दिन में 5 5 6 6 10 10 बार जाना पड़ता है, रात को 3 3 4 बार उठना पड़ता है, और फिर किसी किसी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन भी होती है। तो ये सिम्टम्स, तो ये सिम्टम्स को अगर अपन इन्यूमरेट करें तो सबसे बड़ा सिम्टम है फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ही इज गोइंग वेरी नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं। नॉर्मल आदमी 3 से 4 बार दिन में जाता है, 5 बार जाता होगा हद से ज़्यादा, लेकिन जब कोई 8 10 बार दिन में जाने लगता है, 3 4 बार रात को भी उठने लग जाए, दैट्स अ बैड इशू। फिर उसके बाद धार कम हो जाना, धार की फ्लो कम हो जाए, वो जाके वहाँ खड़ा होता है, जब उसको आता भी है जाके खड़ा होता है लेकिन उसको शुरू करने में टाइम लगता है, इट्स कॉल्ड हेजिटेंस। फिर उसके बाद जब शुरू भी हो जाता है तो उसको जोर लगाना पड़ता है कि वो कंटिन्यूस आता रहे, कई बार नहीं भी आता है, इनिशियली थोड़ा सा कंटिन्यूस आएगा लेकिन टूवर्ड्स दी एंड वो ड्रिप 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 करके आएगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिप ड्रिप। तो वो भी होता है किसी पेशेंट में, ये भी होता है कि अर्जेंसी है, अर्जेंसी मीन्स के जैसे ही पेशेंट को सेंसेशन आया उसको टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है, नहीं तो ही हैज अ ग्रेट चांस के निकल जाएगा, उसको डर होता है कि मेरा निकल जाएगा, यूरिन लीक हो जाएगा, और रेयरली हो भी जाता है। तो फिर जब सीवियर सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो पेशेंट के दिमाग में ये होता है कि सारी दिन में वो ये सोचता रहता है कि मैं आज यहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे टॉयलेट है, दिस एक्चुअली व्हाट डूइंग व्हाट इज कॉल्ड टॉयलेट मैपिंग। तो उसको अपनी ज़िंदगी ऐसे चलानी पड़ती कि मैं इस टॉयलेट से वो टॉयलेट, वो टॉयलेट से वो टॉयलेट ऐसे जाना है, और फिर लंबे दौर पे कार पे नहीं जा सकता, एयर फ्लाइट पे जाना है तो उसको मुश्किल होती है, उठ के बार बार टॉयलेट पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली दिस पीपल विल लुक फॉर अ टॉयलेट फर्स्ट बिफोर गोइंग फॉर अ फंक्शन, उनकी लाइफ उसके ऊपर निर्भर हो जाती है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी चलाऊँ कि मेरे सिम्टम्स मुझे ना दिखे। आखिरकार वही बात है, एनलार्जमेंट तो शायद हर एक आदमी को होगी लेकिन सिम्टम्स किसको होंगे उसके हिसाब से अपने आगे। सो इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कोलिंग फॉर दिस प्रोस्टेट एनलार्जमेंट? हाँ है, तो जो प्रोस्टेट सिम्टम्स जो है उसके लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्कोर है जिसका नाम है इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर, IPSS। तो वो जो है वो 7 पैरामीटर्स को चूज करता है और उसके डिवाइड कर देता है उसके पेशेंट की जिंदगी में वो कितना उसको दुखी कर रहे हैं। जैसे सिंपल ले लो फ्लो, अब वो हम बोल रहे हैं कि रिड्यूस्ड फ्लो है, तो वो पेशेंट को पूछता है, उसको ये पूछा जाता है कि आपको हर बार फ्लो कम हो रहा है कि कभी कभी फ्लो कम हो रहा है, 2 में 5 बार से कम फ्लो हो रहा है, तो इस तरह उसके सारे पैरामीटर्स की डिविजन होती है, उसके बाद उसकी स्कोरिंग होती है। तो स्कोरिंग में 0 to 9 जो है that is considered to be mildly symptomatic, 0 to 8, and then 9 to 18 is considered to be moderately symptomatic, anything more than 19 is considered to be severely symptomatic। ये सारा scoring system सिर्फ हमें ये बताता है कि ये prostate इसका इलाज है लेकिन इसके symptoms बेचारे को patient को कितना दुखी कर देते हैं। Ultimately that is the aim of the game कि हमने उसके symptoms को कैसे अच्छा करना है, तो हमको quantify भी करना है कि वो माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर। सो दिस इज बेसिकली यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स। या दिस कैन कॉज एनी हार्म टू द एंटायर यूरिनरी सिस्टम और कुछ कोमॉर्बिडिटीज है तो ऐसा कुछ इफेक्ट करता है? जी जैसे मैंने बोला कि लैडर अगर नहीं खाली हो तो क्या होगा, उसमें गंदगी होगी, वो डेब्री इकट्ठी होगी, वो डेब्री में इंफेक्शन हो जाए, तो पेशेंट का मेरे पास कई बार आते हैं कि मुझे बार 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 इन्फेक्शन हो रहा है, तो मैं जब उसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ तो पता चलता है कि उसका प्रोस्टेट एनलार्ज है, उसका ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, उसको इसीलिए बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं। वही रीजन से अगर गंदगी नहीं साफ हो रही तो फिर ब्लैडर में स्टोन्स भी बनते हैं, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। कोई पेशेंट होता है जो अपने आप को इग्नोर करता चला जाता है, नहीं मैंने नहीं दिखाना, मैंने नहीं करना, मैं करे जाऊँगा जो करना है, कुछ भी और दवाइयाँ खा लेता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है कि एक दिन वो शरीर का पेशाब ही बंद हो जाता है, द होल थिंग स्टॉप्स, दैट इज कॉल्ड एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। सो दैट इज एन अल्टीमेट
मतलब प्रॉब्लम, देन द पेशेंट हैज टू रश टू द हॉस्पिटल और फिर हमको इमरजेंसी में चाहे तो दर्द लोअर पेट में दर्द हो रहा है, देन वी हैव टू पुट अ कैथेटर टू ड्रेन द ब्लड. वो भी सिचुएशन अगर बंदा नहीं समझ रहा है, उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वो उसको इग्नोर कर रहा है, फिर क्या होता है वो ब्लैडर बैक प्रेशर मारता है. बैक प्रेशर मारेगा तो किडनीज ही नहीं ड्रेन करेंगे, किडनीज भी तो बेचारी यूरिन बना के उसको नीचे पंप करने की कोशिश कर रही, जब ब्लैडर ही नहीं खाली हो रहा तो पीछे से क्या है. तो जब नहीं आएगा तो जो किडनीज का काम है अपने ब्लड को साफ करना वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा तो फिर पेशेंट इज गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, मतलब किडनी फेलियर पे जा रहा. तो ये सारे सिम्टम्स हैं. और फिर कई पेशेंट्स मैंने ये भी देखे हैं कि क्योंकि उनका प्रोस्टेट जब इतना बड़ा हो जाता है तो वो अंदर से ब्लीड करने लग जाता है, बार बार रिकरेंट ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है. कोई पेशेंट ऐसा उसमें से आ जाता है जिसको इतनी ब्लीडिंग हुई कि उसके ब्लैडर में क्लॉट्स जमा हो गए, फिर रिटेंशन में चला गया, फिर उसका फिर से हमको अंदर कैथेटर डाल के वॉश आउट करके फिर इमरजेंसी में करना पड़ता. तो दीज आर लेट, वेरी लेट presentations of prostate. So these are all about the symptoms of prostate. Now moving on to assessment. So sir, if a patient comes to your clinic, maybe ek age group ka 50 years old patient comes to your clinic, so how would you assess that patient? Assessment of the patient begins with the patient himself. I have to ask the details of the patient. उसकी रियल इसकी एज क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज क्या है, उसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, क्या क्या उसकी ड्रग हिस्ट्री क्या है. क्योंकि अगर मैं कुछ ड्रग्स देने की कोशिश करूंगा तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी दूसरी ड्रग से इंटरेक्ट yeah. तो ये इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद उसकी फिर अपन आ जाते हैं उसकी ये IPSS स्कोर, सिम्टम स्कोर पे, तो डिटेल में उससे सिम्टम स्कोर लिया जाएगा. ये करने के बाद ये इसकी बेसिक एनाटॉमी है और फिर एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जिसको DRE बोलते हैं, तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं जिससे एक उंगली सेफली प्यार से अंदर डाल के रेक्टम में उसके प्रोस्टेट की असेसमेंट की जाती है. तो असेसमेंट में ये पता चलता है कि वो प्रोस्टेट कितना लार्ज है, उसके कोई सस्पिशियस नोड्यूल्स तो नहीं है. कई बार पता लगता है किसी किसी पेशेंट में कि उसके नोड्यूल्स, तो नोड्यूल्स का मतलब है कि देयर इज अ हाई सस्पिशन देयर मे बी एन अंडरलाइन कैंसर, तो वो भी असेस करना शुरू में. तो ये सारी इनिशियल असेसमेंट. फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट आ जाता है. ब्लड टेस्ट में सबको क्या क्या देखना है? ब्लड टेस्ट में दो इम्पोर्टेंट है, एक तो इसको किडनी के लिए तो नहीं, तो किडनी का जो ब्लड टेस्ट है जिसको बोलते हैं क्रिएटिनिन वो कराना है. फिर दूसरा है एक ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं PSA. PSA stands for prostate specific antigen. ये एक ऐसा यूनिक एंजाइम प्रोटीन है जो सिर्फ प्रोस्टेट बनाता है बॉडी में और कुछ नहीं, और कोई नहीं बनाता, और ये मेल्स में होता. तो ये PSA जो है ये हमें ये बताता है कि इसके प्रोस्टेट का साइज के साथ इसका कोऑर्डिनेशन रिलेशन क्या है. देर आर मेनी थिंग्स, इसको कई एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं PSA डेंसिटी, मतलब इतने बड़े प्रोस्टेट के लिए एक्सपेक्टेड PSA कितना होगा, वो भी एक चीज़ है. बट प्राइमरली PSA हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हम ये भी हमें ये सारी कहानी में हमको ये भी देखना है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कैंसर से तो नहीं. तो PSA जो है अगर बड़ा हुआ है रेंज से बाहर, तो 0-4 नॉर्मल रेंज होती है. इन एल्डरली पेशेंट्स 70-80 साल के तो हम कई बार बोलते चलो 4-10 तक भी अलाउड है, क्योंकि उनका साइज प्रोस्टेट का वैसे भी एनलार्ज है, तो वो भी एक है. तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्टेट उसका PSA नॉर्मली हाई है, तो हमको फिर उस तरफ से भी सोचना पड़ता है कि हम इसकी और क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएं कि उसको है कि नहीं कि कैंसर है. सो एनी अदर स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर प्रोस्टेट? स्क्रीनिंग नहीं, अभी यही है PSA एक है, रेक्टल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर. बट प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स को और अच्छी तरह असेस करने में दो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हैं जो मैं अभी बोल देता हूँ. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राम. सोनोग्राम पे ये हम देखते हैं, पेशेंट को बुलाया जाता है स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस देख के कि भाई आप खूब सारा पानी पी के आओ, तुम्हारा ब्लैडर भरा होना चाहिए. तो हमको इसकी फुल ब्लैडर फंक्शनल कैपेसिटी कितनी है वो देखनी है.
क्योंकि किसी किसी पेशेंट को दोनों प्रॉब्लम्स होती है, प्रोस्टेट भी एनलार्ज है जो पेशाब को रोक रहा है और दूसरा उसकी ब्लैडर एक्सपैंड करने को तैयार ही नहीं है, तो वो भी हमको देखना है, उसको फिर कॉम्बिनेशन मेडिसिन का ऐसा देना पड़ता है। तो फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी अल्ट्रासाउंड पे ऑब्वियसली किडनी यूरेटर ब्लैडर प्रोस्टेट के बारे में पता चल जाएगा, किडनी में स्टोन तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ब्लैडर में स्टोन नहीं वगैरह। फिर एक और स्पेशल टेस्ट है जो हम कराते हैं और उसका नाम है यूरोफ्लोमेट्री। तो यूरोफ्लोमेट्री का क्या मतलब है? बेसिकली एक टॉयलेट जैसी मशीन है, एक्चुअली इट इज अ फनल जिसके नीचे एक मशीन लगाई गई है, तो उसमें अगर भरे ब्लैडर से जब यूरिन पेशाब पास करता है पेशेंट, तो उसकी एक रीडिंग आ जाती है, एक ग्राफ आ जाता है, तो रीडिंग से हमें ये पता लगता है कि इसने कितना यूरिन पास किया, कितना टाइम लगा उसको, मैक्सिमम टाइम कितना लगा, कितनी देर उसको वेट करना पड़ा, क्या उसका मैक्सिमम फ्लो था, क्या एवरेज था, उसका पैटर्न क्या है फ्लो का, ये सारा कुछ। और फिर इमीडिएटली इस यूरोफ्लोमेट्री के बाद हम फिर उसको वापस अल्ट्रासाउंड रूम पे लेके जाते हैं ये देखने के लिए कि इसका रेजिडुअल यूरिन क्या है, क्या रह गया इसके ब्लैडर में, अगर वो खाली नहीं हो रहा तो ये एक और बात हमको पता लग जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड पे अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उसके प्रोस्टेट का साइज क्या है, तो उसका साइज भी रेक्टल एग्जामिनेशन पे अप्रोक्सीमेट साइज पता लगता है, हमको सारा प्रोस्टेट तो फील करने को मिलेगा नहीं, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे थ्री डायमेंशंस में टॉप टू बॉटम साइड टू साइड बैक टू फ्रंट, तो तीनों डायमेंशंस में जब पता लगता है तो वी हैव अ मच मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द प्रोस्टेट साइज। सो बिसाइड्स दिस एनी अदर स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो डन फॉर प्रोस्टेट? नहीं, फिर वो प्रोस्टेट के अगर मैं स्पेशलाइज्ड टेस्ट की बात करता हूं तो जब मैं ये सारी इनिशियल सारी इन्वेस्टिगेशंस कर ली और कहीं पे भी मुझे ये शक पड़ा कि इसको शायद प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, तो फिर एक स्पेशल एक एमआरआई आता है, which is a prostate specific MRI, which is called multi-parametric MRI of the prostate, तो वो कराना पड़ता है, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ करते हैं, उसमें वो लीजन्स वो चीजें पता लग जाती हैं, वो जगह पता लग जाती हैं जो मेरे को उंगली से भी शायद ना फील हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो मास है टिश्यू प्रोस्टेट का उसमें पता लग जाता है कि कोई सस्पिशियस एरिया तो नहीं, उसकी भी एक रेटिंग होती है जिसको पेराइड स्कोर बोलते हैं, वो खैर अलग बात। और अगर हमको उस एमआरआई में कुछ ऐसा दिखता है कि वो सस्पिशियस है, पीएसए भी बढ़ा हुआ है, मेरा उंगली भी बता रही है कि इसके प्रोस्टेट में कुछ सस्पिशियस है, तो फिर मैं एडवाइस करता हूँ पेशेंट को कि लेट अस डू अ व्हाट इज कॉल्ड टारगेटेड अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सीज, नीडल बायोप्सीज, छोटे छोटे नीडल की बायोप्सीज ली जाती हैं, वो स्पेशली वो एरियाज की और बाकी प्रोस्टेट की भी, ताकि वो जो प्रोस्टेट में हम अगर कोई कैंसर है तो हम उसको ऐसे टाइम पे पकड़ लें और ऐसे टाइम पे उसका पता लग जाए जब हम उसका कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में चार साल बाद। बेसिकली इट इज अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन। ओके। सो देन दिस बायोप्सी वी आर सेंडेड फॉर टेस्टिंग। ओके। वो बात टेस्टिंग के लिए भेज दी जाती है एंड दे आर स्टेन्ड विद स्पेशल स्टेन्स एंड एवरीथिंग, उसके बारे में डिटेल में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन हमको यही आइसोलेट करना है कि इसको कैंसर है कि नहीं। अगेन the risk of prostate cancer is not related to the enlargement of the prostate. ऐसा नहीं है कि हर एक enlarged prostate का मतलब इसको कैंसर हो गया, ऐसा नहीं, बहुत रेयर है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पकड़ा जाता है। हाँ, ये बात भी है कि धीरे धीरे जैसे इंडियन पॉपुलेशन जो है आज की मिडिल एज और ओल्डर एज जो है वो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लाइफ पे आ गई है, वेस्टर्न मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं, प्रोसेस फूड खाने लग गए हैं, पोल्यूशन बढ़ गई है, जेनेटिक्स हो गया है, तो उनका भी इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये फिर वही बात है, एनलार्ज प्रोस्टेट मान लिया कि 70-80% तो बेनाइन नॉर्मल एज रिलेटेड ही होगा, लेकिन वो जो 20% है उनको भी तो पकड़ना है। So this were all the investigations which are required to diagnose a patient for prostatomegaly. So moving on to like आपने सब बताया कि every patient में और every man में basically prostate बढ़ेगा ही बढ़ेगा with age. So is it important that every man should undergo a treatment in his life? सबका बढ़ेगा, like medications is required? नहीं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट डजंट मीन कि उसको सिम्टम्स होंगे, प्रोस्टेट एनलार्ज होगा कि ब्लैडर एंट्री भी अच्छा रहेगा, ही विल नॉट वेक अप इन द नाइट एंड ही विल हैव गुड फ्लो इन द डे एंड ही विल बी हैप्पी अबाउट इट,
तो वो है, लेकिन अगर सिम्टम्स में उसको आ गए हैं सिम्टम्स, तो जैसे मैंने बताया IPSS से और दूसरे पैरामीटर्स को देख के हम उस पेशेंट को क्वांटिफाई करते हैं कि इसको माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं, मॉडरेट प्रॉब्लम्स हैं कि सीवियर प्रॉब्लम्स हैं। अगर उसको माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं तो देन देर आर डिफरेंट इश्यूज टू बी सॉर्टेड आउट। मॉडरेट में मेडिसिन भी आ सकती हैं, सीवियर में भी मेडिसिन आ सकती हैं, पहले फिर बाद में सर्जरी की बात हो सकती है। So how would you manage a case of mild patient with prostate problems? तो माइल्ड जो है उसमें हमको द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज समथिंग कॉल्ड लाइफस्टाइल एडवाइस। अब लाइफस्टाइल एडवाइस क्या है? आपने पानी पीना है, 3-3.5 लीटर दिन में पानी पीना है, लेकिन उसको स्पेस आउट करके पीना है, सारे दिन में एक बार पूरा नहीं पीना है। और फिर शाम को, रात को, स्पेशली कई बुजुर्गों को आदत होती है कि रात को एक पूरी थर्मस पानी की पी के पीनी है। ठीक है, उनकी आदत थी, यंग एज में उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे बूढ़े हो रहे हैं तो वो फिर रात को जागने लग जाते हैं। इसमें बेचारे प्रोस्टेट का क्या कसूर है? इसमें तो वो फ्लास्क का कसूर है ना। मेरे फादर हैं, वो सारा दिन फ्लास्क में चाय पीते रहते हैं बैठ के, उसमें प्रोस्टेट का क्या कसूर है? तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको पेशेंट से पूछ के बतानी है कि सर आप ये मत करो, धीरे धीरे इससे हटते जाओ, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, अगर आप स्मोक करते हैं तो बंद करो, अल्कोहल पीते हैं, शाम को कलियों को आदत होती है शाम को एक दो पैर लगाने तो वो भी आप कम करो, फिर अपनी जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, अब किसी की शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसकी शुगर जैसे ही 180 से पार होगी वो यूरिन में लीक करने लग जाएगी, वो आएगी तो पेशेंट को फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो वो ठीक करना जरूरी है। प्रोस्टेट के लिए दवाइयाँ देना जरूरी है, तो वो ठीक करनी है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ठीक रखनी है, आपको हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग, जेंटल एक्सरसाइजेस करनी है, और डाइट अच्छी करनी है, डाइट है, और ये योगा भी है, जो योगा में भी कुछ ऐसे आसन हैं जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बताए जाते हैं कि आसन हैं जिससे प्रोस्टेट की जो ये जो रिलैक्सेशन है, पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन है, ये सारी चीज़ों में वो भी बहुत काम आते हैं। तो लाइक अभी डाइट के बारे में बात करें तो डाइट में यही है कि अब स्टडीज ने ये कंफर्म किया है कि वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर आप लाल मीट खाते हैं जैसे बीफ, लैम, मटन, पोर्क, तो ये जो चीज़ें हैं दीज आर ये इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड कि इट इज रिलेटेड टू एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट, इवन बेनाइन मतलब नॉर्मल एज रिलेटेड, एंड स्पेशली टू कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट। तो अगर आप ये खा रहे हैं, आपने ठीक है अपने यंग जमाने में खाना खाया, खा लिया, मस्ती कर ली, लेकिन आप फिर ये धीरे धीरे इसको बंद करना चाहिए या काम करना चाहिए, बात ही करना चाहिए। फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे अनदर कंपाउंड इज देयर कॉल्ड लाइकोपीन। लाइकोपीन इज अ सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट्स प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। वो कहाँ पाया जाता है? टमाटर। सो इफ समबडी हैज टोमेटो सूप वंस अ डे तो ही इज गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ लाइकोपीन। देन देयर इज जिंक, देन देयर इज विटामिन सी, देन देयर आर ऑयली फिश, दीज आर थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर प्रोस्टेट हेल्थ। और भी ड्रग्स हैं, और भी जनरल हैं चीजें जिसमें प्रोस्टेट का साइज कम हो जाता है। अगर प्रोस्टेट का साइज नहीं बढ़ेगा तो फिर सिम्टम्स भी कम होंगे और उसी से ही काम चल रहा है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स भी उनकी जिंदगी को बदल करते हैं। अब जैसे यंग एग्जीक्यूटिव बेचारा दिन भर बाइक पे घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, मे बी ही इज 35-40, सो ही इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व, ही इज ऑल्सो गेटिंग सिम्टम्स, तो वो माइल्ड सिम्टम्स से भी दुखी। So in that case, we can initiate some medical treatment and then help him to improve his bladder flow and everything. So then he can go longer, he can have a good quality of life. Ultimately, a quality of life issue. Haan. Bother score, quality of life, is sab kuch usi se related. Okay. So this is the mild management. Mild symptoms. What you have to say about the moderately affected patients? Haan. To mere paas kai patients aate hain jo माइल्ड को तो वो इग्नोर ही कर रहे हैं ना, वो सोचते हैं कि ये तो मेरा एज रिलेटेड इशू है, ये तो मेरे को वापस के साथ तो सफ़र करना है। तो वो जो हैं वो मॉडरेट में तब आ जाते हैं जब उनका IPSS स्कोर
9 से ऊपर बढ़ जाता है, 18 से नीचे है, उनका फ्लो रेट खराब हो जाता है, उनकी रेजिडुअल यूरिन बढ़ जाता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है और PSA भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो जो पेशेंट्स हैं जिनको दिन में 5-5, 10-10 बार जा रहे हैं, रात को भी उठ रहे हैं, तो वो जो हैं पेशेंट्स, तो उनको फिर अपन मेडिकल ट्रीटमेंट से हम शुरू कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमको उनको स्ट्रेट अवे हमको सर्जरी की बोलना ही बोलना है। लेकिन माइल्ड में नियरली 80-90% होते हैं जो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से। हाँ, एक और चीज मैं भूल गया, लाइफस्टाइल चेंजेस में समथिंग कॉल्ड ब्लैडर रीट्रेनिंग। क्या होता है कि लोग जो है जैसे रिटायर हो गया आदमी, तो रिटायर होने के बाद क्या होता है, अब घर पे बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, थोड़ी सी भी सेंसेशन आई उसको लगता है अरे यार टॉयलेट तो बगल में ही है, मैं चला जाता हूँ। तो उसको ये आदत सी बन जाती है कि मेरे को जैसी सेंसेशन आई मेरे को जाना ही जाना। It is a psychological thing. तो उसको फिर मुझे फिर ये समझाना पड़ता है कि देख, तू जब यंग था तू 3-3, 4-4 घंटे कार में सफर कर लेता था, तू अपने आप को रोकता था ना, तो उसी तरह वो पेशेंट को फिर से समझाना और ट्रेन करना होता है। दैट इज कॉल्ड ब्लैडर रीट्रेन। अपनी बॉडी में जब भी अपने ब्लैडर को सेंसेशन आती है, आपको भी मालूम होगा, लोगों को भी मालूम है जो सुन रहे हैं, कि फर्स्ट सेंसेशन जो आती है वो अपन इग्नोर कर सकते हैं और कर भी देते हैं, क्योंकि अपने को मालूम है यार अभी अपने पास टॉयलेट कोई नजदीक में नहीं है, अभी नहीं जाना, माइंड बना लेता, मन बना लेता कि नहीं जाना, और अपने माइंड से एक सिग्नल चला भी जाता है ब्लैडर को कि नहीं अभी नहीं जाना, ब्लैडर काम हो जाता है। फिर सेकेंड टाइम जब ब्लैडर और भर जाता है तो उसको सेंसेशन आती है कि अब तो टॉयलेट देखो। तो यही प्रोसेस है फिर से उसको ट्रेनिंग का, ब्लैडर रीट्रेन। तो वो रीट्रेन किया, फिर उसके बाद हाँ मॉडरेट सिम्टम्स, मॉडरेट जो आ गए उसमें अपन दवाइयों की बात कर रहे हैं। तो दवाइयाँ आजकल इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो चुका है बहुत सालों से, तो आजकल दवाइयाँ आ गई हैं जो प्रोस्टेट का जो मसल है अंदर, उसके मांस में जो मसल है जो ट्यूब को ग्रिप मार के बैठा है, ऐसी दवाइयाँ हैं जो वो मसल को रिलैक्स कर देंगी। रिलैक्स कर देंगी तो ऑब्वियसली ग्रिप कम हो गई, तो दार अच्छी हो गई, ब्लैडर खाली अच्छा होने लग गया, सिम्टम्स बढ़ गए बट अच्छे हो गए। तो ये एक टाइप ऑफ दवाइयाँ हो गई। फिर दूसरी एक और दवाई आती है जिससे अपन प्रोस्टेट का जो ओवरऑल साइज है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे अभी 100 ग्राम का प्रोस्टेट, अगर मैं वो दवाई शुरू करता हूँ तो कम से कम 20-30% उसका और कम हो गया, तो वो नीचे आ जाएगा, 70-80% के करीब आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है पेशेंट्स को ट्रीट करने का। और फिर अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, स्टिल ही इज इन द मॉडरेट कैटेगरी, हम दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं आजकल, तो वो भी कॉम्बिनेशन दवाइयों का आने लग गया काफ़ी देर से, जिसमें मसल रिलैक्स भी हो रहा है, ओवरऑल साइज भी कम हो रहा है, एंड विद इन अ फ्यू डेज एंड समटाइम्स इवन अ फ्यू वीक्स द पेशेंट फील्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड ही कैन कंटिन्यू। And what if patients with medicines are not better and they are progressing into severe state of prostate enlargement? Severe prostate enlargement nahi, severe state of symptoms. Okay. So, jo severe symptomatic group mein aa gaye, ab jaise kuch mild wale honge jo dheere dheere moderate mein chale jayenge, moderate wale honge jo dheere dheere severe mein chale jayenge, aur jo kuch hain jo present hi aise tab karenge jab severe mein aa rahe hain. तो जो सीवियर में आ रहे हैं उनको हम फिर भी मेडिसिन पहले ट्राई करते हैं और फिर उनका इफेक्ट देखते हैं। उसमें ये भी देखना पड़ता है कि इसकी एसोसिएटेड कंडीशंस क्या हैं, हम ये दवाइयाँ दे सकते हैं, क्योंकि हम जो दवाइयाँ देते हैं उससे, एक जो दवाई देते हैं उससे किसी किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो अगर वो पहले ही कोई दवाई खा रहा है लो ब्लड प्रेशर की तो फिर मुझे वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें को देखनी है। अगर वो मेडिसिन मैं सेफली दे भी सकता हूँ फिर भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहा फॉलोअप पे, देन आई हैव टू एडवाइस हिम एंड गाइड हिम टुवर्ड्स समथिंग सर्जिकल प्रोसीजर, एंड दैट शुड हेल्प द पेशेंट। व्हाई शुड ही सफर इन साइलेंस? आई मीन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको आदमियों को सफर ही करनी है। उसकी दवाइयाँ हैं, प्रोसीजर्स हैं, आजकल बहुत सेफ प्रोसीजर जो कर सकते हैं। सो इन जनरल पब्लिक इट इज दे आर वेल वर्स विद द टर्म लेजर। देखिए जो भी प्रोसीजर है फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जिकल
ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये सुन लीजिए कि ओपन ची फार काट पीट नहीं होगी, नहीं होगी। जो भी कुछ हमने करना है, पेशाब की जो नाली है हमारी, जो भगवान ने नाली बनाई है, उसी के थ्रू एक स्पेशल पतली दूरबीन डाल के वो जो सेंटर का जो मास है प्रोस्टेट का, जो पेशाब की नली को ग्रिप मार रहा है, उसी को हमने साफ करना, उसी को हमने अंदर से कार्व आउट करना, कार्व करके उसका रस, उसका जो रिश्ता है वो साफ करना। साफ हो जाएगा ऑब्वियसली ये सारी धार अच्छी हो जाएगी, उसके सिम्टम्स अच्छे हो जाएंगे। ये चीज जो है पहले उसके लिए इलेक्ट्रोकॉटरी यूज होती थी, अभी भी यूज होती है, ऐसा नहीं, उसका नाम TORT, तो वो भी एक वैलिड वो है, ऐसा नहीं कि दिस इज वो इनवैलिड है। जहां जहां लेजर नहीं है वहां पे लोग अभी भी इलेक्ट्रोकॉटरी यूज करते हैं, एंड स्टिल सम यूरोलॉजिस्ट एक्चुअली स्पीक जो दे थिंक दैट इज स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड। पर मैं बोलता हूँ कि आजकल देयर इज इनफ एविडेंस, इनफ स्टडीज, इनफ रिसर्च हैज बीन डन, लेजर हैज बीन इन ट्रीटमेंट फॉर नाउ फॉर मेनी इयर्स, और उसके रिजल्ट्स उतने ही लॉन्ग स्टैंडिंग, ड्यूरेबल और अच्छे हैं और सेफ हैं जितने TORT हैं। That's exactly my next question. What are the advantages of laser? So why should people opt for laser surgeries over open surgeries? No, first of all, open surgery तो है ही। Why should people opt for laser instead of traditional TORT? Yeah. तो लेजर का बहुत बड़ा फायदा है कि first of all size of the prostate doesn't matter. भले ही वो 30 ग्राम का है या 300 ग्राम का, बीच में उसको कुछ नहीं आता। इधर लेजर यू कैन ईजिली रिसेक्ट, मतलब कट ऑफ द प्रोस्टेट, एंड वो जैसे जैसे कट करता जाता है वो सील भी करता जाता है। इसका मतलब उसकी ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ही कम है, वेरी रेयरली यू हैव टू यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर उसकी जो अंदर से जो उसका जो जख्म है वो बहुत जल्दी हील होता है, दैट मीन्स हिज रिकवरी आफ्टर द प्रोसीजर इज वेरी क्विक, सो रिटर्न टू रूटीन एक्टिविटी इज वेरी क्विक। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेजेस हैं। पेशेंट कई बार एंटीकोगुलेंट्स पे होता है, जिस जैसे फॉर एग्जांपल कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, मेरे पास आया वो रिटेंशन में, अब वो उसको कैथेटर भी नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर वो बोलेगा कि मेरा कुछ करो, तो देन आई हैव दी एडवांटेज ऑफ लेजर दैट आई कैन कैरी ऑन यूजिंग इट इन स्पाइट ऑफ द पेशेंट बीइंग ऑन एंटीकोगुलेंट्स। बट द बिगेस्ट फैक्टर इज के इट वर्क्स इन ऑल प्रोस्टेट्स, इट इज एन एक्सलेंट प्रोसीजर एंड इट हैज गुड लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेबल रिजल्ट्स विद अ वेरी क्विक रिकवरी एंड गुड डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड क्विक रिटर्न ऑफ एक्टिविटी टू रूटीन। So as we are talking about prostate, I would just like you to brush up about prostate cancer, because the incidence of prostate cancer is very high in the community these days. It is higher than what it used to be. Compared to what my grandparents के टाइम की जो इंसिडेंस है उससे तो बहुत बढ़ गया है। उसका रीज़न ही ये है कि मैंने जैसे बोला वेस्टर्न डाइट, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट बढ़ गया है। ऑब्वियसली मैंने बोला जेनेटिक्स, अब जैसे मेरे फादर या किसी के फादर को अगर होता है प्रोस्टेट कैंसर, तो मेरा रिस्क एज अ सन इज 3.5 to 4 times हायर। अगर मेरे फादर को, मेरे अंकल को, या मेरे फादर या उनके ग्रैंडफादर, मेरे अंकल, मेरा भाई, सो देर आर दीज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, इफ वन इज इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज 3.5 times, इफ टू आर इन्वॉल्व दैट गोज टू 5 times, इफ 3 आर इन्वॉल्व इट गोज टू 9 times। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर किसी की फैमिली में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है या डॉक्यूमेंटेड है कि उनको प्रोस्टेट कैंसर है, तो देन दे आर द वंस हु आर सपोज टू बी स्क्रीन। स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम वो चीज़ें करें, वो टेस्ट करें जो आसान है और हम उनको जल्दी पकड़ें, ताकि हम उसका कोई रेडिकल ट्रीटमेंट करें। व्हेन देयर कैंसर इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गन कैंसर, मतलब जो सिर्फ ऑर्गन में ही, ऐसा नहीं है कि वो स्प्रेड हो गया है। सो प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक और सेशन की जरूरत है। So, like how often the patient follow up, like screening जो होता है, तो what time period should the patient follow? हाँ, तो जो mild वाले हैं, mild symptoms वाले, mild lumps वाले हैं,
तो उनको भी और मॉडरेट वालों को भी, माइल्ड वालों को मैं बोलता हूँ कम से कम एक साल में तो एक बार आके मुझे दिखाओ और अपने सारे अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री, पीएसए, यूरिन क्रिएटिनिन ये सब करो, ताकि मेरे पास एक पैटर्न है, मैं देखता जाऊंगा कि साल दर साल वो क्या हो रहा है उसके पैटर्न को, वो धीरे धीरे खराब हो रहा है कि स्टेबल है तो मैं वही दवाइयाँ कंटिन्यू कर सकता हूँ, और अगर वो बढ़ रहा है तो मैं फिर उसकी दवाइयाँ चेंज कर सकता हूँ या उसको कुछ और सजेस्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई मॉडरेट कैटेगरी में आता है तो फिर आई एक्चुअली मेक इट अ पॉइंट टू टेल देम कि आप कम से कम 6 महीने बाद आके तो कम से कम मुझे दिखाओ। ज़्यादा नहीं टाइम जाता है, एक दिन आधा दिन ही जाता है, और लोग फैमिलीज काफ़ी पैसा इधर उधर खर्च देते हैं, पिज्ज़ा खा लिया है, टेक अवे ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो इसके ऊपर भी थोड़े से पैसे लगा के अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन और फॉलोअप करते रहेंगे तो आप ही बचे रहेंगे। तो वो फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लस यू आर राइट कि वो कुछ जो पेशेंट्स हैं जो माइल्ड से मॉडरेट हो गए, मॉडरेट से सीवियर हो गए, या सीधे ही वो आए थे, इन्वेस्टिगेट हुआ, बिनाइन ही था, लेकिन नेक्स्ट फॉलोअप में पता चला अरे इनका तो पीएसए बढ़ गया, अरे इनका तो रेक्टल एग्जामिनेशन कुछ सस्पिशियस है, तो देन आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि इनका प्रोस्टेट कैंसर को भी रूल आउट करना है। तो कैसे पता चलेगा जब तक आप आएंगे नहीं मेरे पास? तो फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज अ age-old saying that prevention is better than cure. Yes. So what are the preventive measures to which the patient should get to know and how to prevent such things to happen? I don't think you can prevent enlargement of the prostate. वो तो age related एक genetic issue जो हमारे को होगा ही होगा। What you can do is to prevent the enlargement of the prostate. Enlargement in the sense के आप वो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे डाइट चेंज कर ली, एक्सरसाइज कर ली, टॉक्सिक चीज़ें बंद कर दी, योगा कर लिया, वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे प्रोस्टेट स्टेबल रहे और बढ़े ना। डाइट जैसे मैंने आपको डाइट के बारे में बताया, तो ये सारी चीज़ें करके स्टेबल रख सकते हैं। अगर उसने एनलार्ज होना ही होना है तो फिर होना ही अगेन गो बैक टू द सेम थिंग, not every prostate causes symptoms, not every prostate symptoms need surgical treatment. These are the things, and not every prostate enlargement means that they have got cancer. It is only that we have to quantify the symptoms, treat according to the category, follow them up on a regular basis so that the patient is also happy ki haan mera kaam chal raha hai, mujhe kuch nahi kar raha. Ab jaise log diabetes aur blood pressure ke liye zindagi bhar ke liye dawaiyan khate hi hain, तो आई एम सॉरी टू से लेकिन प्रोस्टेट के लिए भी कुछ खाना ही पड़ेगा तभी स्टेबल रहेगा। सो माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक अवे मैसेज फॉर ऑल आवर व्यूअर्स? जस्ट आई हैव जस्ट रिपीटेड, नॉट एवरी लार्ज प्रोस्टेट कॉजेस सिम्टम्स, नॉट एवरी सिम्टम एंड नॉट ऑल सिम्टोमेटिक पेशेंट्स नीड सर्जिकल ट्रीटमेंट, नॉट ऑल एंड लार्ज प्रोस्टेट्स आर कैंसर्स, एंड यस प्लीज डू नॉट इग्नोर इट। Don't think that this is an age-related problem. हमको तो बस इसके साथ जीना ही है, ऐसे कर चलता रहेगा तो काम चलता रहेगा, देखी जाएगी जब बाद में कॉम्प्लिकेशंस होगी, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आजकल की दुनिया में थोड़ी सी हिदायत, थोड़ी सी प्रिवेंशन के साथ अपन इसके साथ अच्छी तरह मीटिंग लिव लाइफ अलॉन्ग विद दिस एनलार्ज प्रोस्टेट, वी डोंट नीड टू सफर फ्रॉम इट। दैट इज दैट वुड बी माई बिगेस्ट टेक होम मैसेज। प्लीज कम फॉरवर्ड, गेट योर सेल्फ असेस्ड एट लीस्ट वंस अ ईयर, not more, and have the appropriate treatment. Yes, sir. So I just wanted to know, like, how can people consult you? When and where are you available? As I said, I am a senior consulting urologist in RG Stone Urology Hospital in Porvorim, in Goa. So I am here full time. So every day where I have a clinic, and every day if there is a case, I'm doing a case. And now, and even on Sundays, I am doing a clinic in the morning. When obviously the patient can ask for an appointment, and then he can come on Sunday. He can come on Sundays also. So I am available here. I would prefer that patients subhere ke time pe aaye, because jo uski detailed history leni hai, uske jo blood test aur ultrasonography aur urophlometry karani hai, ye sara kara ke mujhe acha lagta hai ki usi din उसकी अच्छी असेसमेंट हो जाए और उसको एक डायग्नोसिस और उसको एक पता लग जाए कि हाँ मेरी कितनी प्रॉब्लम है, और मेरे को डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी कि वो सेटिस्फाइड।
नहीं तो क्या होता है, मैं आज ये टेस्ट लिखूंगा, कल वो कराएगा, परसों आएगा, ये करेगा वो करेगा, तो इसलिए मैं सुबेरे बुलाता हूँ ये पेशेंट्स को, ताकि ये सारा कुछ, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड सारा दिन होता है, यूरोप्रोमेट्री सारा दिन होती है, हमारे यहाँ फुल टाइम 24/7 लैब है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हैं तो हम लोग कर सकते हैं, संडे को भी कर सकते हैं हम 24/7। Public, just make a note about it. Dr. Gill is available in Archestone Hospital throughout the week, including Sundays. So, yes, Dr. Gill, thank you very much. Just giving us that much knowledge of prostate. At least people will come forward and take their treatment. Okay? Well, yeah. Yes. One thing is that if there is any issues, there is a helpline number, which is 955-255-88. I'll repeat it again. Yes. 955-255-8899. ये हमारा आरजी गोवा का सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी आप फोन कर सकते हैं और फोन करके जो जिसने भी उठाया उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट भी दे देंगे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट बात करनी है तो वो आपको मेरा नंबर भी दे देंगे और फिर आप मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, एटलीस्ट टेलीमेडिसिन से आप मुझे कुछ रिजल्ट्स भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये चीज़ें भी कर सकते हैं, ताकि डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ये सारी चीज़ों में अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज मेड वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द जनरल पब्लिक एंड वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर सच मोर इंटरैक्टिव सेशंस हेंस फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।